भारत आएंगे। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, कहा यूके के लिए अहम रणनीतिक भागीदारी है भारत। गोरखपुर में सीएम योगी ने सुनी फरियादियों की फरियाद, बोले सभी की समस्याओं का होगा समाधान। जहांगीरपुरी हिंसा में बड़ा खुलासा, उपद्रवियों ने चलाई थी गोली, अंसार समेत अब तक 14 लोग गिरफ्तार। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1150 केस दर्ज, 4 लोगों की मौत। उपचुनाव में जीत से टीएमसी गदगद, कल्याण बनर्जी बोले यूपी नहीं बंगाल से तय होगी देश की राजनीति। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन कमिश्नरेट स्थित सभागार में मंडल स्तर की बैठक की है। मंडल स्तर की बैठक में सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी बैठक में सम्मिलित होने के निर्देश दिया। साथ ही सीएम योगी ने कई योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा भी की और इस अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों से भी कई विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही कई अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। सीएम योगी आदित्यनाथ कमिश्नरी सभागार में जरूरतमंदों को सहायता राशि भी प्रदान की। ये जैसे एक का तो आकस्मिक मृत्यु का मामला था और एक का रोड एक्सीडेंट था, तो उसमें हमको दो दिन पहले सीएम साहब कार्यालय से पत्र मिला था कि इनको कुछ मुख्यमंत्री राहत कोष से इनको सहायता देनी है। तो मैंने 24 आवर के अंतर्गत मैंने इनको रिपोर्ट लगवा के भेजा था, जिसको आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दोनों लोगों को चेक दिया गया, 2-2 लाख रुपये का। जी, तो क्या लग रहा है अभी और भी कुछ लोग हैं कि जिन्हें? नहीं नहीं, जो भी कोविड वाले थे हमारे यहाँ 1000 से ऊपर लोग थे, जिसमें से लगभग सारे लोगों को मेरे द्वारा दिया जा चुका है। आज यहाँ आप आई हैं, किससे मिलने आई हैं? बाबा से मिले तो क्या? हाँ, बाबा चेक दिए हैं। कितने का? 2 लाख। क्यों दिए? मेरे बाबू के लाइन मार दे। क्या नाम है? पंकज पासवान। आपका क्या नाम? कलावती देवी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के कमिश्नरी सभागार में मंडल स्तर की एक बैठक करें, जिसमें मंडल के सारे अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को तुरंत बुलाया गया है और उनके साथ समीक्षा बैठक करनी है। कई योजनाओं पे, लॉ एंड ऑर्डर पे भी इसमें समीक्षा होनी है। ऐसे में कई लाभार्थियों को जो मृतक आश्रित थे उनको चेक दिया गया है, पैसा दिया गया, सहायता राशि प्रदान की गई है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? उर्मिला देवी। उर्मिला जी, आपको सहायता राशि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से दी गई है? अभी के लिए तो है सर बेटर, अभी थोड़े दिन के लिए मान लीजिए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना भी है, लेकिन अगर जॉब होता तो ज़्यादा बेटर होता सर। छोटा मोटा कोई भी जॉब रहता तो, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं और कोई नहीं करने वाला, मैं ही हूँ, तो मेरे लिए तो यही था कि छोटा मोटा मेरे को जॉब ही मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता सर। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला है? कुछ आश्वासन मिला है कि जॉब के लिए या फिर किसी तरह की और सहायता के लिए? तो सहायता तो देंगे, बाबा जी का तो हमेशा ही सबको देते हैं, तो सबका करते हैं, तो ये दिए हैं तो मान लीजिए आगे भी देंगे ही। मेरे को तो यही उम्मीद है कि हो सकता है जॉब का हो जाए कुछ मेरा, तो मेरे बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, आशा है कि इनको की जॉब मिल जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पैसा जो होता है वो तत्कालिक राहत तो जरूर दे देता है, लेकिन जाहिर सी बात है कोई ना कोई रोज़गार, कोई ना कोई ऐसा चीज़ होना चाहिए जिससे लोगों के जो है रोजी रोटी चल सके। कैमरामैन उज्ज्वल के साथ हिमांशु श्रीवास्तव, प्राइम टीवी। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा में नया खुलासा हुआ है। हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने गोली भी चलाई थी जो कि एक ASI को लगी। कल हनुमान जयंती के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पथराव और आगजनी भी की गई थी। इस हिंसा में 8 पुलिसकर्मियों समेत करीब 9 लोग घायल हुए हैं। हिंसा के आरोप में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में आज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1150 नए केस सामने आए हैं और 4 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर
11,558 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या 5,21,751 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,25,08,788 लोग संक्रमित हो चुके हैं, संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं और देश में अब तक कोरोना से 4,30,31,958 लोग संक्रमित हो चुके हैं। विश्व हिंदू परिषद की ओर से कानपुर के निराला नगर स्थित रेलवे ग्राउंड में 17 अप्रैल से भव्य रामोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर विश्व का सबसे बड़ा पुष्पक विमान तैयार किया गया है, जिसमें 6,000 श्रीराम विराजमान होंगे इस पुष्पक विमान में और साथ ही साथ आयोजन में 2,00,000 से ज्यादा राम भक्तों के आगमन की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। बता दें कि कार्यक्रम में हिंदुत्ववादी नेता भैयाजी जोशी, साध्वी रितंबरा समेत कई कैबिनेट मिनिस्टर विधायक मौजूद रहेंगे। खबर कानपुर से है, जहां स्वाट टीम और थाना नवाबगंज पुलिस गंगा बैराज सिंचाई विभाग के निर्माणाधीन भवन के पास चेकिंग के दौरान दो बाइक सवार युवकों को रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद दोनों बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दूसरा भागने में कामयाब रहा। वहीं गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ के दौरान बताया कि दोनों ही चोरी और चेन स्नैचिंग की वारदात अंजाम देते थे। देखिए, इस महीने दैट इज अप्रैल जो 13 तारीख को 10:30 बजे हमारे नवाबगंज क्षेत्र के ललनपुर एरिया में एक शराब दुकान के सेल्समैन के साथ एक लूट की घटना, 2,32,000 रुपए के लूट की घटना हुई थी। उसी के बारे में एक सटीक सूचना, मुखबिर की सटीक सूचना पर हमारे जो थाना क्षेत्र का फोर्स और SOG टीम ये जो सिंचाई विभाग के निर्माणाधीन भवन के पास जब चेकिंग कर रहे थे, एक बाइक सवारी हमें देखते ही तुरंत भागने लग गए। तो जब उनको रोकने की कोशिश किया तो वो तुरंत फायरिंग करने लगा, उसी दौरान मुठभेड़ हुई थी। उसी मुठभेड़ के दौरान वो घायल हुआ है। ये जो घायल हुआ है उनका नाम है जावेद उर्फ समीर उर्फ कलुआ। इनको तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया गया इलाज चल रही है। और 315 बोर के तमंचा, एक मिस्ड कारतूस और एक कोका मिला है। उसके अलावा एक मॉडिफाइड बाइक और लूट के समय जो बैग उन्होंने लूटा है वो बैग मिला है उसमें। कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र के लखुई गांव में शनिवार शाम बेटी की शादी के लिए बन रही मिठाई के सिलेंडर से आग लग गई। आग ने विदाई के सामान और गहनों और साथ ही साथ पड़ोस के कई घरों को भी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंचे विधायक विवेकानंद पांडे ने बेटी की शादी न रुके उसके लिए परिजनों को आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण और हम सब मिलकर शादी में मदद करेंगे और शादी को रुकने नहीं दिया जाएगा। सभी पीड़ितों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने का प्रयास भी करने की बात कही। दिल्ली में हुए दंगे के बाद अब उत्तर प्रदेश में पुलिस हाई अलर्ट पर है। औरैया में पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने रात में सदर कोतवाली क्षेत्र के प्रमुख चौराहे, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया। जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनता को सुरक्षा का एहसास दिलाया। खबर बहराइच के थाना बौड़ी अम्बवा तेतारपुर से है, जहां गेहूं के खेत में खड़ी 300 बीघा फसल जलकर राख हो गई, जिसकी सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू तो पा लिया लेकिन तब तक किसान की काफी नुकसान हो चुका था फसल का, जिसके बाद पीड़ित किसान ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकालते समय दो पक्षों में हुए हंगामे के बाद पथराव और तोड़फोड़ की घटना के बाद यूपी में भी अलर्ट जारी है। वहीं रायबरेली में जिले भर के थाने में पेट्रोलिंग की जा रही है, साथ ही शहरी इलाकों में सिटी मजिस्ट्रेट और CO सदर के नेतृत्व में पोलिंग बाजारों, सड़कों, चौराहों और रेलवे स्टेशनों पर सघन जांच अभियान चलाया गया। गौ तस्कर के खिलाफ बदायूं में पुलिस का एक्शन जारी है, जहां गौ तस्कर के अभियुक्त में
अवैध संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं के निर्देश पर 26 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई है। साथ ही गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 4/25 आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में थाना वजीरगंज जनपद बदायूं में पंजीकृत किया गया है। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी के सराय हकीम में लोगों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए लगाए गए स्पीकर को पुलिस हटवाने पहुंची और जैसे ही लोगों को मामले की जानकारी हुई मौके पर भारी भीड़ पहुंची, जिसके बाद पुलिस और लोगों के बीच नोकझोंक हो गई और मौके से पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। देखिए आज हनुमान जयंती के पावन पर्व पर एक सरायकिंग के मुख्य चौराहे पर लाउड स्पीकर लगाया गया था। आज हनुमान चालीसा बज रही थी प्रतिदिन सुबह और शाम का, इसमें कार्यक्रम रखा गया था कि प्रतिदिन सुबह और शाम हनुमान चालीसा बजेगी, जिससे व्यापारियों को, जो क्षेत्र के व्यापारी हैं जो अपने प्रतिष्ठान पर बैठकर पूजा पाठ और मंदिर नहीं जा पाते, वो अपने प्रतिष्ठान पर सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो उसी विषय में आज हनुमान चालीसा का लाउड स्पीकर लगाया गया था। क्षेत्रीय पुलिस आई, अब किस विषय में आई ये पता नहीं, उनका कहना है कि खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री को सीतापुर उप जिलाधिकारी अनिल सिंह द्वारा भू माफियाओं के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने जिला प्रशासन को आगाह भी कर दिया कि यदि भू माफियाओं के अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन 18 तारीख तक कोई कार्यवाही नहीं करता है तो आगामी तारीख को वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस दौरान हमारे संवाददाता सुनीश तिवारी ने किसान संयुक्त मोर्चा के जिला संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू से इस बारे में खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। यूपी में योगी सरकार भू माफियाओं पर शिकंजा तो कस रही है, लेकिन अब सीतापुर जनपद में इसका बीड़ा संयुक्त किसान मोर्चा ने उठाया है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं संयुक्त किसान मोर्चा के जिला संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू। इन्होंने आज सदर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है भू माफियाओं के खिलाफ, क्या आज आइए जानते हैं क्या है पूरा प्रकरण। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये ज्ञापन आज से करीब 10 दिन पहले किसान मंच द्वारा दिया गया था, तो उसमें 7 दिन के अंदर कार्रवाई करने का आदेश दिया था तहसीलदार साहब को, SDM साहब ने, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। जब किसान मंच दादा शिव प्रकाश ने अवगत कराया सारे संगठनों को, तो सबने मिलकर यह तय किया संयुक्त किसान मोर्चा आपके ज्ञापन को समर्थन देता है, और आज एक ज्ञापन फिर जिलाधिकारी महोदय को दे दिया गया कि अगर 19 तारीख तक जो ज्ञापन दिया है उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो 19 तारीख को सारे किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के साथ धरने पे बैठेंगे। ये ज्ञापन जो है ये दिया गया, ये आपके सामने है। सरकार द्वारा किसानों के हित में जो मैनिफेस्टो जारी हुआ था, यदि आगे 5 सालों में या आगे किसानों के हित में लगातार बीजेपी सरकार अगर अपना कार्य करती है तो क्या समझा जाए कि संयुक्त किसान मोर्चा जो संगठन है वो आगामी चुनाव में भाजपा का समर्थन देगा? बिल्कुल, 2014 में भी हम साथ थे, 2017 में साथ थे, 2019 में साथ थे। भाई हम तो पहले ही कह रहे हैं ना, हमारी समस्या क्या है, आवारा पशुओं की सबसे ज्यादा समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हमारी अपील और निवेदन है कि आवारा पशुओं की समस्या आप इसको जल्द से जल्द खत्म कराएं। इस पे किसान बहुत परेशान है, इतनी धूप में अपने खेत में रहना पड़ता है। इस बार अगर गेहूं की फसल कम हुई है तो आप मान लीजिए आवारा पशुओं की वजह से कम हुई है। गरीब का खेत, मजदूर किसान का खेत आवारा पशु चर जाते हैं और आगे से मारते हैं। अभी कुछ दिन पहले रामकोट थाने की घटना है, आज से 6 दिन पहले एक सांड के मारने से एक किसान की मौत हो गई। जी जी, तो किसान संयुक्त मोर्चा के जो जिला संयोजक है पिंदर सिंह सिद्धू ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि यदि बीजेपी किसानों के हित में कार्य करती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में वह भाजपा का समर्थन कर सकते हैं। और रही बात भू माफियाओं के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, तो आगामी 19 तारीख को वो धरना प्रदर्शन देंगे। कैमरा पर्सन मनीष शर्मा के साथ सुनील तिवारी, प्राइम TV सीतापुर।
राजधानी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में दिन के समय भीषण गर्मी पड़ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली में फिर लू की स्थिति बन रही है। राष्ट्रीय राजधानी में दिन के समय मौसम साफ रहेगा, लेकिन 18 अप्रैल से फिर दो दिन लू से राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली में आज 17 अप्रैल 2022 को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहेगा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार सत्ता में आई है। इसी बीच 6 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर हो गया है। जानकारी के मुताबिक सीतापुर और आजमगढ़ के डीएम बदले गए हैं, दोनों का तबादला हुआ है। विशाल भारद्वाज आजमगढ़ के नए डीएम नियुक्त किए गए हैं, वहीं अब मेघा रूपम हापुड़ के डीएम होंगे। आपको बता दें कि आजमगढ़, सीतापुर और हापुड़ के डीएम बदले गए हैं। आजमगढ़ के डीएम अमृत त्रिपाठी हटाए गए हैं, वहीं सीतापुर के डीएम विशाल भारद्वाज को आजमगढ़ का डीएम बनाया गया है। इसके अलावा हापुड़ के डीएम अनुज सिंह को सीतापुर का डीएम बनाया गया है, तो वहीं मेघा रूपम को डीएम हापुड़ बनाया गया है। इससे पहले मेघा मेरठ में अपर आयुक्त थी। खबर गाजियाबाद से है, जहां लोनी में बेखौफ बदमाशों ने 24 घंटे के अंदर दूसरी बार ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लगातार हो रही फायरिंग से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं इस मामले पर एसएसपी एम मुनिराज के मुताबिक दिल्ली निवासी संजय कुमार को गोली मार दी गई थी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसका शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। आईपीएल 2022 में आज के दिन दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 16 रनों से मात दी। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 5 विकेट पर 189 रन बनाए। आरसीबी की तरफ से दिनेश कार्तिक ने नाबाद 66 और ग्लेन मैक्सवेल ने 55 रन बनाए। दिल्ली के गेंदबाज की मैच में जमकर धुनाई की। हालांकि दिल्ली की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर केवल 173 रन ही बना सकी, तो वहीं टीम की ओर से डेविड वार्नर ने 66 और पंत ने 34 रन बनाए हैं। आरसीबी की ओर से हेजलवुड ने 3 विकेट चटकाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।